Okay, hello, once again, good morning all of you. In the fundamental of nursing, in the previous class, we are discussing about the unit number 10th and the unit number 3rd. In this, today we continue with the same unit, the heading with the tracheostomy care. Okay, so today tracheostomy processes related, tracheostomy cares related discussion karenge. Okay, let's start with the introduction phase regarding the ट्रेकियोस्टोमी के. ठीक है, तो वर्ड ट्रेकियोस्टोमी होता है वो, उसका मीनिंग क्या होता है, तो वो इंट्रोडक्शन फेज से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. तो वर्ड ट्रेकियोस्टोमी है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, द वर्ड ट्रेकियोस्टोमी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स, दैट इज द ट्रेकिया एंड द ऑस्टोमी. ठीक है, तो इन दोनों को मिलने के जो मिलकर बना हुआ जो वर्ड रहेगा वो ट्रेकियोस्टोमी होता है. ठीक है, द वर्ड ट्रेकिया का मतलब रहेगा, तो ट्रेकिया होता है वो एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है. ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक जो पार्ट है, जो उसका एक जो ऑर्गन होता है उसको हम ट्रेकिया बोलते हैं. ठीक है, जिसका दूसरा नाम उसको हम विंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, मतलब जब भी हम इंडिविजुअल पर्सन होता है वो ब्रीदिंग लेता है. ठीक है, तो सांस लेता है, तो ब्रीदिंग लेता है, तो ब्रीदिंग लेने के बाद जो एयर होती है वो लंग्स के अंदर पहुंचती है, तो उसके लंग्स के अंदर जाने का जो रास्ता होता है. ठीक है, तो ये जो पाइपलाइन होती है उसको ही हम ट्रेकिया के नाम से जाना जाता है. ठीक है, जैसे कि आपके सामने ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो पार्ट है, ठीक है, तो ऊपर वाला जो पार्ट अगर नोज वाला, तो फैरिंग्स वाला पार्ट, फिर वो यहाँ से सीधे उतर के वो एक गले के अंदर जो एक पाइपलाइन होती है वो लंग्स के अंदर कनेक्टेड रहते हैं. इस वे के अंदर वो लंग्स के अंदर जो कनेक्टेड रहते हैं. ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है, एक जो पाइपलाइन जो स्ट्रक्चर होता है जहां से हवा होती है वो बाहर से लेते हैं और वो लंग्स तक उसके अंदर पहुंचती है. ठीक है, तो वो रहेगा, उसको हम ट्रेकिया, उसको दूसरा नाम विंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, विंड का मतलब रहेगा हवा. ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ट्रेकिया जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है. ठीक है, देन नेक्स्ट सेकेंड वर्ड जो रहेगा द ऑस्टोमी. ठीक है, तो वर्ड ऑस्टोमी का मतलब रहेगा आर्टिफिशियल ओपनिंग. ठीक है, मतलब जो ट्रेकिया वाला जो पार्ट होता है, तो एक जो स्किन के द्वारा मसल्स क्या बोलते हैं, उसकी जो टिश्यू की लेयर्स होती है वो लेयर्स के द्वारा वो कवर रहता है. ठीक है, बॉडी का कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स होता है वो स्किन के द्वारा, मसल्स के द्वारा, और अंदर उसकी जो मेम्ब्रेन्स, उसकी जो लेयर्स वगैरह होती है उन लेयर्स के द्वारा वो कवर्ड रहता है. ठीक है, बट किसी आर्टिफिशियल प्रोसेस के द्वारा उसके अंदर ओपनिंग करते हैं. ठीक है, मतलब कट लगा के, आर्टिफिशियली कट लगा के उसके अंदर यदि ओपनिंग की जाती है तो वो प्रोसीजर रहेगा वो ऑस्टोमी कहलाता है. ठीक है, तो हम ओपनिंग किसके अंदर कर रहे हैं, ट्रेकिया के अंदर. ठीक है, तो ट्रेकिया के अंदर ओपनिंग करने का जो प्रोसेस कहलाएगा उसको हम ट्रेकियोस्टोमी के नाम से जाना जाता है. ठीक है, उसका जो प्रोसीजर क्या रहेगा तो वो ट्रेकियोस्टोमी केयर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे. इन द डिटेल एज इट इज एंड अ टाइप ऑफ प्रोसेस, मतलब ट्रेकियोस्टोमी ये एक टाइप का प्रोसेस होता है, इन विच द आर्टिफिशियल ओपनिंग मेड इन द ट्रेकिया. मतलब इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल पर्सन के अंदर जो ट्रेकिया वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर आर्टिफिशियल जो ओपनिंग होती है वो की जाती है. ठीक है, इन टू विच और टू विच इंसर्टेड. ठीक है, और ओपनिंग करने के बाद में इस साइड का जो ट्रेकियल जो ट्यूब होती है, ठीक है, इस साइड की जो ट्यूब होती है वो गले के अंदर ओपनिंग करने के बाद में इस के अंदर गले के अंदर उतारी जाती है. ठीक है, तो यहाँ तक जो ट्यूब होती है वो पहुंचाई जाती है. ठीक है, इन विच अ ट्यूब इज इंसर्टेड टू स्टेबलाइज एंड मेंटेन द ओपन एयर. ठीक है, और ये जो ट्यूब होगी वो यहाँ से ओपनिंग करने के बाद में यहाँ से अंदर डाली जाएगी. ठीक है, और यहाँ से वो लंग्स तक उसके अंदर पहुंचेगी. ठीक है, अब ये ट्यूब डालने का पर्पज क्या होगा, क्योंकि ट्यूब होगी वो बाहर से ऑक्सीजन होगी वो सीधी लंग्स के अंदर जा सकते हैं. ठीक है, जैसा कि आप देखिए ट्रेकिया होता है वो कहां से जुड़ा हुआ होता है, बाहर की जो नोज से हम हवा लेते हैं. ठीक है, और जो हवा होती है वो यहाँ से वो लंग्स के अंदर वो पहुंच जाता है. ठीक है, तो सेम रिजल्ट क्या करेंगे कि यदि यहाँ पर ये एरिया ब्लॉक हो गया है, ठीक है, तो यहाँ से हवा नहीं जा रही है. ठीक है, तो हवा लेने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से सीधा चेक करके एक ओपनिंग कर देंगे और यहाँ से ऑक्सीजन उसके अंदर हम दे देते हैं. ठीक है, एज एग्जाम्पल, क्योंकि हवा होती है वो ट्रेकिया के अंदर आती कहां से है,
ठीक है, ये नोज वाला पार्ट और ये फेरिंग्स वाला पार्ट यहाँ से, ठीक है। बट यदि ये वाला पार्ट मेरा यदि ऑब्स्ट्रक्टेड है, नाक वाले पोर्शन के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ठीक है, कैंसर वाले कंडीशन या फिर कोई सर्जरी वगैरह हो गई या फिर मेरे को ट्रॉमा लग गया, नाक के अंदर फ्रैक्चर हो गया, बोन टूट गई, मसल्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो ये सब जो कंडीशन वगैरह रहेगी तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट तो अभी सांस नहीं लेके जा सकता, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से हम ट्यूब डालेंगे और यहाँ से पोषण होगा, बहुत हवा होगी वो अंदर जा सकती है और ऑक्सीजन होगी वो उसके अंदर हम अटैच कर सकते हैं, ठीक है, तो उस साइड का जो प्रोसेस होगा उसको हम ट्रेकियोस्टॉमी के अंदर इंक्लूडेड करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन द टाइप्स ऑफ द ट्रेकियोस्टॉमी के, ठीक है, तो ट्रेकियोस्टॉमी रहेगा तो उसका जो टाइप्स के अंदर कितने टाइप्स के अंदर उसको डिविजन किया गया है, ठीक है, एज द ट्रेकियोस्टॉमी के डिवाइडेड इंटू द थ्री सब टाइप्स, ठीक है, ट्रेकियोस्टॉमी के रहेगा उसको थ्री सब टाइप्स के अंदर उसको डिविजन किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया रहेगा एज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है, मतलब जो ट्रेकियोस्टॉमी के रहेगी तो वो कौन कौन से सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको डिविजन किया गया है, टू टाइप्स के अंदर, द इमरजेंसी एंड द प्लांट प्रोफाइलेक्टिक ट्रेकियोस्टॉमी के, ठीक है, तो इसके अंदर जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको दो पार्ट्स के अंदर डिविजन किया गया है, एक तो इमरजेंसी के अंदर, मतलब जब जो कोई भी इमरजेंसी कंडीशन होती है तो फटाफट ये बिना किसी प्लानिंग के सीधे उस पर्सन को ट्रेकियोस्टॉमी के लिए भेजा जाता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी प्लानिंग नहीं होती कि हमको इस पर्सन को देना भी है या नहीं देना है, ठीक है, पर इसके अंदर सडनली कोई पेशेंट आता है उसको इमरजेंसी के अंदर यदि ट्रेकियोस्टॉमी की जाती है, ठीक है, यदि ट्रेकियोस्टॉमी का प्रोसीजर यदि पूरी तरह से प्लानिंग नहीं होता है, उसके अंदर डेट कोई फिक्स नहीं होती है, कोई टाइम यदि फिक्स नहीं हुआ होता है, ठीक है, ओनली यदि सडनली कोई भी पर्सन यदि किसी भी टाइम के अंदर किसी भी दिन वो आ सकता है और इमरजेंसी के अंदर बिना किसी प्लानिंग के दिया जाता है तो वो रहेगा इमरजेंसी, और इससे ओपोजिट, इससे जो उल्टा रहेगा कि यदि किसी कोई दिन फिक्स किया जाता है, ठीक है, उसके लिए टाइम फिक्स किया जाता है, ठीक है, और उसके अंदर पर्सन किया हुआ जो प्रोसेस होता है वो रहेगा तो प्लान या जो प्रोफाइलेक्टिक टाइप ऑफ द ट्रेकियोस्टॉमी के, ठीक है। द नेक्स्ट सेकेंड टाइप राइट, ओके, द नेक्स्ट वन रहेगा द टाइप्स ऑफ द ट्रेकियल ट्यूब, ठीक है, तो ट्रेकियल ट्यूब रहेगी तो उसके अलग अलग जो टाइप्स होते हैं उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, तो ट्रेकिया जो ट्यूब होती है तो बेसिकली इस टाइप की जो ट्यूब होती है वो ट्रेकिया के अंदर हम उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो इस टाइप की जो ट्यूब होगी, ये वाला जो ऐसी ट्यूब होगी वो उसके ट्रेकिया के अंदर हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो इस टाइप की जो ट्यूब होगी तो वो अलग अलग टाइप की उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, अवेलेबल रहती है, ठीक है, तो उसके अंदर फर्स्ट वन रहेगा द डबल ल्यूमेन और द सिंगल ल्यूमेन ट्यूब, ठीक है, तो डबल ल्यूमेन वाली ट्यूब और द सिंगल ल्यूमेन वाली ट्यूब उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, तो ट्रेकियल ट्यूब जो होती है वो फर्स्ट जो टाइप की रहेगी द डबल ल्यूमेन, ठीक है, और द सेकेंड रहेगी वो सिंगल ल्यूमेन, ठीक है, तो ल्यूमेन का मतलब रहेगा पाइपलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब जो ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है वो कितना होता है, इसी के अंदर यदि ये दोनों मतलब ये एक ट्यूब होगी और इसके अंदर भी एक सपोर्टिंग के लिए ये ट्यूब होगी वो इसके अंदर इंसर्ट मतलब इसके अंदर डाली जाएगी, ठीक है, तो इसके अंदर पाइपलाइन स्ट्रक्चर कितना हो गया, एक तो ये वाला और ये वाला, तो डबल ल्यूमेन यदि होती है तो उस साइड जो ट्रेकियल ट्यूब होगी वो डबल ल्यूमेन होगी, मतलब जो इसके अंदर ये पायलट होगा, ठीक है, ऑब्टुरल आउटर कैमरा, ठीक है, ये वाला और जो इनर कैमरा ये वाला, तो ये तीनों यदि होंगे तो उस साइड का जो ट्रेकियल जो ट्यूब होगी वो डबल ल्यूमेन होगा, ठीक है, ल्यूमेन का मतलब होगा कि पाइपलाइन को स्ट्रक्चर वो डबल की जो ट्यूब होती है वो उसके अंदर कितनी होती है, ठीक है, यदि दो ही ट्यूब होती है मतलब एक तो ये अंदर ली जाएगी वो और इसके अंदर एक और फिट की जाएगी, ठीक है, तो उस साइड का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो डबल ल्यूमेन के अंदर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन था ये ऑप्टुलर वाला पार्ट क्या काम आएगा, ठीक है, ये ऑप्टुलर वाला पार्ट इस काम आएगा कि ये ट्यूब होती है वो कहीं पर भी मुड़ सकती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो हार्ड सब्सटेंस का ये ऑप्टुलर होगा वो उसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे लगाएंगे तो ट्यूब होगी वो जहां पे हमको सीधी की सीधी हमको डालनी है तो वो सीधी की सीधी हम डालना चाहते हैं
वहां उसके अंदर इंसर्ट सीधी ट्रैकिया के अंदर ही वो जाएगी, कई और जगह के ऊपर वो शिफ्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसको यदि अच्छी तरह से उसको यदि अटैच करने के लिए जो यदि यूज में लिया जाने वाला जो पार्ट रहेगा उसको ऑब्ड्यूडर या फिर जो पायलट के रूम नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन द सेकेंड टाइप की जो ट्रैकेज ट्यूब रहेगी द सिंगल ह्यूमन ट्रैकेज ट्यूब, ठीक है। इसके अंदर ओनली वन ये पायलट और ये वाला जो स्ट्रक्चर सिंगल ही रहता है, तो उस टाइप की जो ट्रैकेज ट्यूब रहेगा दैट्स नोन एज द सिंगल ह्यूमन टाइप ऑफ द ट्रैकेज ट्यूब, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द कफ और द नॉन कफ, ठीक है। तो सेकेंड जो टाइप रहेगा द कफ एंड द नॉन कफ टाइप ऑफ द ट्रैकेज ट्यूब, ओके। द कफ्ड एंड द नॉन कफ्ड टाइप को जो ट्रैकेज जो ट्यूब होगी उसके अंदर एग्जांपल रहेगा एज लाइक ये जो ट्रैकेज ट्यूब होती है, ठीक है। तो इसके अंदर कफ वाला जो पार्ट होता है ये बैलून, ठीक है। ये जो बैलून दिख रहा है वो इसके अंदर अटैच करने के बाद में इसको बाहर नहीं निकले, तो इसके लिए ये जो अटैचमेंट करवाने के लिए इसको फिक्स करने के लिए ये बैलून होता है, ठीक है। तो ये यदि बैलून जिसके अंदर होता है वो तो रहेगा कफ टाइप का, और यदि इसके जिसके अंदर ये बैलून नहीं होता है जो फिक्स करने के लिए, तो उस टाइप का जो ट्रैकियोटॉमी का जो ट्यूब होगा उसको हम नॉन कफ टाइप ऑफ द ट्रैकियल ट्यूब के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन रहेगा द फेनेस्ट्रेटेड एंड द नॉन फेनेस्ट्रेटेड, ठीक है। फेनेस्ट्रेटेड एंड द नॉन फेनेस्ट्रेटेड का मतलब ये रहेगा कि ये जो ट्रैकियल जो ट्यूब हो रहेगी तो ये इस साइड जो ये इनर कैमरा वाला जो पार्ट होता है तो इसके ऊपर वाले पार्ट के अंदर जो होल होते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड ट्रैकियल ट्यूब होगी वो उसके अंदर इंसर्ट की जाएगी, तो ऊपर वाले पार्ट के अंदर उसके अंदर जो कुछ होल होते हैं, ठीक है। इसके अंदर होल होने का रीजन क्या होगा कि इंडिविजुअल पर्सन होता है वो उसके अंदर से जो पर्सन होती बोलना चाहता है, ठीक है। तो बोलने के लिए हवा जाने के लिए ट्रैकिया के अंदर जाने के लिए जो होल उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यदि होल प्रेजेंट रहेगा तो इंडिविजुअल पर्सन होगा वो बोलने के लिए हवा होगी वो उसके नीचे पार हो सकते हैं, मतलब इसके अंदर हवा होगी वो ट्रांसफर हो सकती है, और हवा यदि ट्रांसफर होगी तो इंडिविजुअल पर्सन का जो वॉइस होगा उस वॉइस का प्रोडक्शन होगा वो उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो यदि फेनेस्ट्रेटेड रहेगा मतलब यदि इसके अंदर यदि ये इनर वाला जो कैनुला का जो पार्ट होगा इसके अंदर ये साइड की ओपनिंग यदि है तो वो फेनेस्ट्रेटेड रहेगा, मतलब पर्सन है वो टॉकिंग है वो कर सकता है बोल उसके अंदर वॉइस उसके अंदर प्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि ये ट्रैकिया जो ट्रैकिया ट्यूब लगाने के बाद में पूरा ब्लॉक हो जाता है, उसके ट्यूब के अंदर जाने के लिए हवा जाने के लिए रास्ता भी होता है। बेसिकली हमारा जो वॉइस का प्रोडक्शन होता है वो कब होता है जब हवा का उसके अंदर कॉन्टेक्ट में होता है, ठीक है। तो इसी की वजह से यदि जो ट्रैकिया वाली जो ट्यूब के अंदर यदि होल उसके अंदर अपर साइड के अंदर होल यदि प्रेजेंट रहेंगे तो उस साइड का जो ट्रैकियल ट्यूब रहेगा वो फेनेस्ट्रेटेड रहेगी, और जिसके अंदर होल नहीं रहेंगे उस साइड की जो ट्यूब होगी वो नॉन फेनेस्ट्रेटेड के अंदर इंक्लूडेड रहेगी, ठीक है। द नेक्स्ट बी टाइप का जो लास्ट टाइप का जो रहेगा तो ट्रैकियल ट्यूब वो रहेगी द प्लास्टिक और द मेटेलिक ट्यूब, मतलब जो ये ट्रैकियल ट्यूब होगी वो किस मेटेरियल की बनी हुई होती है, यदि रबर की प्लास्टिक की बनी हुई होती है तब वो रबर या प्लास्टिक की या फिर इसके अलावा ये लोहे की भी मेटल की भी स्टील की भी बनी हुई होती है, ठीक है। तो उस टाइप की जो ट्यूब बनी हुई रहेगी उसको मेटेलिक ट्यूब के जो मेटल की बनी हुई जो ट्रैकियल ट्यूब उसके अंदर रह सकती है, ठीक है। तो ये रहेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ द ट्रैकियल ट्यूब जो ट्रैकियोस्टोमी प्रोसीजर के लिए हम यूज के अंदर लेते हैं, ओके। द नेक्स्ट वन द इंडिकेशंस रिगार्डिंग द ट्रैकियोस्टोमी केयर, ठीक है। तो ट्रैकियोस्टोमी जो केयर मतलब ट्रैकियोस्टोमी जो प्रोसीजर रहेगा तो वो कौन कौन सी जो कंडीशन के अंदर किस किस पेशेंट्स के अंदर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसके इंडिकेशन से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। इंडिकेशन का मतलब कि कौन किस किस रीजन की वजह से कौन कौन से जो पेशेंट के रहेगा और कैसे सिचुएशन के अंदर ये ट्रैकियोस्टोमी जो ट्यूब होगी वो गले के अंदर डायरेक्ट जो ट्रैकिया वाला पार्ट होता है वो हवा को ऑक्सीजन लेने के लिए हम उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर रहेगा द ऑब्स्ट्रक्शन और द नैरोइंग ऑफ द एयरवे, ठीक है। मतलब किसी पर्सन के अंदर ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो ट्रैकिया के ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, मतलब ये जो वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो
कि ये नोज वाला पार्ट, बीच के अंदर जो फेरिंग्स वाला जो पार्ट होता है, तो वो उसके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्टेड हो चुका है, मतलब उसके अंदर कोई रुकावट आ चुकी है, कोई ब्लॉकेज आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर नैरोइंग, मतलब जो एरिया जितना होना चाहिए तो एरिया है वो उसके अंदर सिकुड़ गया, मतलब एरिया है वो उसके अंदर कम हो गया, हवा के जाने का जो एरिया उसके अंदर यदि ब्लॉकेज हो गया है, उसके अंदर रुकावट आ गई है, या वो उसके जो एरिया है वो उसके अंदर वो कम हो गया, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर भी ट्राइगेस्ट्रोमिकेल होगी वो उसके अंदर हम देंगे, ठीक है। अब ब्लॉकेज आने का रीजन क्या क्या हो सकता है, एज ड्यू टू द ट्रॉमा, ठीक है। मतलब किसी पर्सन को ट्रॉमा का मतलब होता है कि उसको कुछ इंजरी वगैरह लगेगी, ठीक है। तो इंजरी वगैरह लगने की वजह से भी उसको जो एरिया होगा वो उसके अंदर नैरो हो सकता है, और उसके अंदर फ्रैक्चर वगैरह होने की वजह से बोन का ऑब्स्ट्रक्शन भी उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई ट्यूमर, ठीक है, मतलब कोई गांठ वगैरह उस जगह के ऊपर बन गई है, तो गांठ की वजह से भी हवा को अंदर जाने के अंदर उसको रुकावट, उसके अंदर ब्लॉकेज वगैरह आ सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द सिक्रीशंस, ठीक है। सिक्रीशंस का मतलब रहेगा कि उसके अंदर कोई वेस्ट मटेरियल भर गया, ठीक है, कोई ब्लड का एक्युमुलेशन उसके अंदर खून जम गया उसकी जगह के ऊपर, या फिर उसके अलावा कोई पस वगैरह, मतलब कोई छाले वगैरह हो गया, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो उसके अंदर फ्लूड गया, या फिर जो म्यूकस वगैरह होता है वो उसके अंदर ज्यादा उसके अंदर जमा, कफ उसके अंदर जम गया है, ठीक है। तो ये सब जो कफ वगैरह ये फ्लूड वगैरह होगा, अपने छालों के ऊपर से जो फ्लूड निकलता है, जो पस होता है, जिसको हम बोलते हैं कि रस्सी के नाम से जाना जाता है, तो वो रस्सी होता है वो उसके अंदर से बाहर निकलेगा, तो वो भी उसको ऑब्स्ट्रक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, तो उसके अंदर से भी हवा होगी वो आसानी से नहीं जाएगी, तो उस कंडीशन के अंदर भी ट्राइगेस्ट्रोमिकेल वो उसके अंदर आप ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन द और एनी फॉरेन पार्टिकल स्टक गेम, ठीक है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे के अंदर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं वो कोई भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो नाक के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई छोटे रबड़ का टुकड़ा होता है, जो बैटरी के जो घड़ी के जो सेल होते हैं, ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं वो नाक के अंदर डाल देते हैं, तो उनके नाक के अंदर वो ब्लॉकेज आ जाता है, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल का मतलब होगा कि बाहर की कोई वस्तु होती है वो यदि नाक के अंदर अटक जाती है, तो उसकी वजह से भी उनको ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, और हवा को जाने के अंदर रास्ता नहीं होगा, तो डायरेक्टली हमको यहाँ से हवा के जाने के लिए रास्ता होगा वो बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम ट्राइगेस्ट्रोमी होगा वो उसके अंदर एप्लीकेबल करते हैं। द नेक्स्ट वन द अनकॉन्सियस पेशेंट विद द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है। मतलब जो अनकॉन्सियस पेशेंट, मतलब जो बेहोशी की हालत के अंदर जो पर्सन, जो कोमा के अंदर जो पर्सन होता है, तो वो पर्सन एक तो अपना सांस लेने का प्रोसेस होता है वो अच्छे से नहीं ले पा रहा है, ठीक है। और वो कोई भी एक्टिविटी होती है, एक तो कोमा का पर्सन होता है वो लंबे समय से एक ही कंडीशन के अंदर रहता है, बट उसके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शन होता है वो तो चलता है, बट उसके अंदर यदि रेस्पिरेशन प्रोसेस यदि वो खुद अपने हिसाब से नहीं ले पाता है, ठीक है, तो उसके अंदर से असिस्टेंस के लिए हम उसको बाहर से दो असिस्टेंस के फॉर्म के अंदर ट्रैकियोस्टोमी के द्वारा उसको हवा होगी वो ब्रीदिंग होगी वो उसको हम दे सकते हैं, जिससे वो लाइफ रह सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट पेशेंट विद द रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल एक जो पर्सन होगा वो यदि रेस्पिरेटरी फेलियर, मतलब इंडिविजुअल पर्सन जो खुद अपने हिसाब से जो रेस्पिरेशन नहीं ले पाता है, ठीक है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो खुद ब्रीदिंग उसके अंदर ले सके, तो उसके अंदर भी असिस्टेंस के फॉर्म के अंदर ब्रीदिंग लेने के लिए उसको ट्राइगेस्ट्रोमी केयर होती है वो उसके अंदर हम उसको दे सकते हैं। द नेक्स्ट पेशेंट अनेबल टू टॉलरेट द ईजी ट्यूब मेथड, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन होता है, जैसे कि ये ट्राइगेस्ट्रोमी जो ट्यूब होती है, तो ये ट्राइगेस्ट्रोमी जो ट्यूब होगी वो बेसिकली माउथ के अंदर से भी डालते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरा जो मेथड होता है जिसको हम एंडोट्रेकियल बोलते हैं, एंडो का मतलब होगा बाहर से, और डायरेक्ट ट्रेकिया के अंदर डालेंगे तो वो होगा ट्रेकियल ट्यूब, ठीक है। तो ये एंडोट्रेकियल जो ट्यूब होती है उसके अंदर क्या करते हैं कि एक जो ट्यूब होती है वो माउथ के अंदर से हम सीधा जो गले के अंदर जो श्वास नली होती है, मतलब जहां से हवा जाने का जो रास्ता होता है, उसके अंदर ट्यूब को डालते हैं, ठीक है। तो उस ट्यूब के मेथड को हम बोलते हैं ईटी ट्यूब, ठीक है, ईटी का मतलब होगा एंडोट्रेकियल ट्यूब मेथड, ठीक है। तो जो पर्सन होता है वो जिसको माउथ के द्वारा जो ट्यूब होती है वो नहीं डाली जाती है, तो उसको वापस माउथ के अंदर हवा देने के लिए क्या यूज देंगे, सीधा डायरेक्ट गले के अंदर से डाल सकते हैं। यदि
तरीके से माउथ से नहीं जाता है तो इस तरीके के अंदर उनको गले के अंदर सीधा उसके अंदर आप डालेंगे। ठीक है, तो जो पर्सन नहीं उसके अंदर जो ईटी ट्यूब होती है वो सक्सेस नहीं होती है तो उसको ट्रैकियोस्टोमी होती है वो हम करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन अ पेशेंट विद द रेस्पिरेशन मसल्स पैरालिसिस। ठीक है, मतलब जो ऐसा जो पर्सन है जिसकी जो रेस्पिरेशन करने की जो मसल्स होते हैं, मतलब जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जो मसल्स होती है, जैसे कि एज एग्जांपल हमको ब्रीदिंग लेने के लिए, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ब्रीदिंग लेने के लिए, तो इसके अंदर जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, अब कॉन्ट्रेक्शन हो गया इसके अंदर तो हवा होगी वो अंदर जा सकते हैं, वापस रिलैक्स होगी तो हवा होगी वो बाहर जा सकते हैं। तो अंदर बाहर या हवा का जो मूवमेंट करवाने के लिए मसल्स का एक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मसल्स का एक्शन जो पैरालिसिस कंडीशन के अंदर मसल्स होती है वो काम करना बंद कर देती है। ठीक है, तो यदि मसल्स होती वो रेस्पिरेशन ऑर्गन की यदि बंद हो जाती है तो इसके अंदर क्या होगा कि इंडिविजुअल पर्सन अपने खुद के हिसाब से इस तरीके से ब्रीदिंग पैटर्न होगा वो नहीं ले पाएगा। तो इसके अंदर हमको ब्रीदिंग पैटर्न देने के लिए ट्रैकियोस्टोमी होगा वो हम कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन द न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड रेस्पिरेशन डिफेक्ट। ठीक है, मतलब जो नर्वस सिस्टम यदि अफेक्टेड होता है, मतलब जो ऐसा माना जाता है कि रेस्पिरेशन का जो कंट्रोल होता है वो पोन्स और जो मेडुला एरिया, मतलब ब्रेन के अंदर जो पोन्स नाम का या फिर जो मेडुला नाम का जो एरिया होता है उस एरिया के द्वारा जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो रेगुलेट, मतलब उसके अंदर कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, बट यदि किसी पर्सन को यदि ब्रेन के अंदर चोट लग जाती है, ठीक है, तो वो पोन्स और जो मेडुला वाला एरिया जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता था, ठीक है, तो उसके अंदर यदि कोई डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ब्रीदिंग पैटर्न होगा, रेस्पिरेशन होगा वो अच्छे से नहीं होता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हम ट्रैकियोस्टोमी होगा वो उसको देंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन अ पेशेंट अंडरगोज द सर्जरी ऑफ द पार्ट्स अबाउट द ट्रेकिया। ठीक है, और एक कोई ऐसा पर्सन है जिसको ट्रेकिया से ऊपर वाले पार्ट्स, जैसे कि ये गला वाला पार्ट, लैरिंग्स वाला, ये नाक वाला पोर्शन, नोज वाला, माउथ वाला पार्ट्स, ठीक है, इसके पीछे जो फैरिंग्स वाला एरिया, ठीक है, ये सब जो रेस्पिरेशन के ऑर्गन के टाइप्स है जो इसके पार्ट्स होते हैं, तो रेस्पिरेशन के अंदर आपको बताया जाएगा कि ये ओरोफेरिंग्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नोज वगैरह क्या होता है, तो उस सिस्टम के अंदर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ट्रेकिया के ऊपर वाले जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि लैरिंग्स होता है, फेरिंग्स होता है, और जो माउथ वाला जो पार्ट होता है और जो नोज वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो इनके रिलेटेड कोई सर्जरी वगैरह की जा रही है, ठीक है, तो इनकी कोई सर्जरी की जा रही है तो उस पर्सन के अंदर कट वगैरह लगाया जाएगा, सूचर वगैरह किए जाएंगे, ठीक है, वॉश पीस वगैरह, तो उसके अंदर पट्टी वगैरह की जाएगी, तो पर्सन होगा अच्छी तरीके से श्वास लेने का जो प्रोसेस होगा वो उसके अंदर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से पर्सन को सांस लेने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली जो ट्रेकिया वाले पोर्शन के अंदर हम ट्यूब इंसर्ट करेंगे, तो ट्रेकियोस्टोमी के द्वारा उसको हम ब्रीदिंग का पैटर्न होगा वो अच्छे से मेंटेनेंस वो कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन द सीवियर बर्न और द ट्रॉमा एट द नेक और द फेस एरिया। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन को बहुत ही सीवियर टाइप का, मतलब जो खतरनाक टाइप का जो बर्न, मतलब जो फेस वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, या फिर जो गले वाला पोर्शन है, ठीक है, तो उस जगह के ऊपर पर्सन है बहुत पूरी तरह से जल गया है। ठीक है, मतलब उसके अंदर जो जलने की वजह से उसको डिफिकल्टी होगी वो ब्रीदिंग पैटर्न के अंदर रहेगी, जो गले के अंदर उसको पेन वगैरह हो सकता है, ठीक है, तो इसके वजह से उसको ब्रीदिंग पैटर्न के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, तो इसके लिए हम जो ट्रैकियोस्टोमी जो केयर होती है वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट बाइटिंग बाई द एनिमल ईटिंग आर नॉन वेज फूड। ठीक है, और दूसरा जो कॉज रहेगा जो कॉमनली जो नॉन वेज जो पीपल्स होते हैं, ठीक है, तो नॉन वेज जो पीपल्स, नॉन वेजिटेरियन खाने वाले जो पीपल्स होते हैं, जैसे कि समुद्री जीव होते हैं, मतलब जो सी एनिमल्स होते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस होता है, केकड़ा वगैरह होता है, झींगा मछली होती है, ठीक है, तो ये सब जो मछली वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो इनकी वजह से क्या होता है कि कभी कभार होता है वो जिंदा खा लेते हैं। ठीक है, तो जिंदा खाने की वजह से क्या होता है कि वो गले के अंदर जाते ही गले के अंदर अटैक कर लेते हैं। ठीक है, तो गले के अंदर यदि अटैक कर लेते हैं तो वो यदि हमको
काट लेते हैं तो उनकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह या फिर कोई डिफिकल्टी वगैरह होती है, ठीक है। तो इसके इस कंडीशन के अंदर भी हम उसको ट्रेकिस्टोमी के द्वारा ब्रीदिंग का पैटर्न होगा वो उसके अंदर मेंटेनेंस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो फॉलोइंग कंडीशन रहेगी जिनके अंदर हम ट्रेकिस्टोमी जो केयर होगी वो उस पर्सन को हम दे सकते हैं और अपना जो ब्रीदिंग पैटर्न होगा वो उसके अंदर नॉर्मली उसके अंदर हम मेंटेन कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन द आर्टिकल्स यूज्ड इन द ट्रेकिस्टोमी केयर, ठीक है। तो ट्रेकिस्टोमी जो प्रोसेस रहेगा तो ट्रेकिस्टोमी केयर के अंदर कौन कौन से जो आर्टिकल्स होते हैं वो हम यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग आर्टिकल्स आर यूज्ड इन द ट्रेकिस्टोमी प्रोसेस, ठीक है। तो ट्रेकिस्टोमी प्रोसेस के अंदर ये फॉलोइंग आर्टिकल्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन रहेगा द हेमोस्टेट्स, ठीक है। हेमोस्टेट्स नाम के जो आर्टिकल्स होते हैं तो हेमोस्टेट्स का हेमो का मतलब होता है ब्लड, ठीक है, और स्टेट्स का मतलब होता है ब्लड को रोकने के लिए, ठीक है। मतलब इसके अंदर ऐसा होता है कि यदि ये गले वाला पोर्शन रहेगा तो यदि उसके अंदर हम कट लगाएंगे तो डेफिनेटली ब्लीडिंग उसके अंदर होगा, ठीक है। तो उसके अंदर टिश्यू वगैरह हम यदि काट दे तो उसके अंदर ब्लड वेसल्स होगी वो डैमेज होगी तो उसके अंदर ब्लीडिंग वगैरह होगी। तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो हेमोस्टेट्स नाम का एक आर्टिकल होता है, ठीक है, जिसको हम आर्टरी फोर्सेप्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह का जो आर्टिकल होगा इसको यदि क्लैंप करेंगे और जो टिश्यू होगा वो उसके अंदर ऐसे लॉक कर देंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग होगी वो उसके अंदर हम ब्लॉकेज हो सकती है और ब्लीडिंग होगी वो कम होगी और अच्छी तरीके से प्रोसीजर होगा वो कंप्लीटेड हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रहेगा द ट्रैकियल डायलेटर, ठीक है। ट्रैकियल डायलेटर का एक आर्टिकल रहेगा जिसके अंदर इसका यूज लेके हम ट्रेकिया को डायलेट कर सकते हैं, मतलब ये ट्रेकिया डायलेटर होता है, ठीक है। ट्रेकिया के अंदर यदि हम इंसर्ट करेंगे और ट्रेकिया को यदि डायलेट करना है पर उसकी चौड़ा करना है तो चौड़ा करने के लिए ये फोर्सेप्स होगा वो उसके अंदर हम डायलेटर यूज में लेंगे और ये ट्रेकिया को हम इतना डायलेट होता है वो कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द ब्लंट डिसेप्टर, ठीक है। तो ब्लंट डिसेप्टर का यूज लेंगे हम उस ट्रेकिया को चौड़ा रखने के लिए, मतलब जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिए कि कोई भी जो रास्ता होता है, ठीक है, जैसे कि ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, हमको यदि इस तरीके से एक पाइप लाइन है और वो यदि पाइप लाइन वापस यदि उसको पकड़े हुए नहीं रखेंगे तो वापस ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो उसको छोड़ा रखने के लिए क्या करते हैं कि एक जो डिसेक्टर होता है इस टाइप का जो डिसेक्टर होता है उसको बीच में रख देते हैं, ऐसे फंसा देते हैं, ठीक है। तो ये वापस जो कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पाती ये इस तरीके से मुड़ी हुई रह सकती, ठीक है। तो इसी टाइप का जो एक डिसेक्टर होता है ब्लंट डिसेक्टर, तो इस टाइप का जो छोटा जो इस गले के अंदर आ सके इतना जो डिसेक्टर होता है वो इसके अंदर हम यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो वो रहेगा अबाउट द ब्लंट डिसेक्टर, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रहेगा टू हुक रिट्रैक्टर, ठीक है। टू हुक रिट्रैक्टर का मतलब इस टाइप का एक जो रिट्रैक्टर का मतलब होगा कि उसको खींचे हुए रखने के लिए, जैसे कि एज एग्जांपल ये ट्रेकियास्टोमी ट्यूब है तो इसको हमने ट्यूब को हमने इसके अंदर कट लगा दिया पर ये ट्यूब होगी वापस इस तरीके से मुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमको खींचे हुए रखने के लिए इस तरीके से हम खींच के रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ जाएगी और इसको हम खींच के रख सकते हैं तो वो उसको वापस मुड़ नहीं सकेंगे, ठीक है। तो उसको चौड़ाई करने के लिए यहां से जो पोर्शन यदि कट करेंगे तो इसको ऐसे पकड़ के रखेंगे तो इसको खींचे हुए रखने के लिए यूज के अंदर लिया जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द एडिसिव टैप, ठीक है। एडिसिव टैप का मतलब इस टाइप की जो टैप रहेगी तो इस टैप को वापस जो ट्रैकियल ट्यूब रहेगी वो फिक्स करने के लिए हम यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। जो ट्रैकियल जो ट्यूब होगी वो यहाँ पे अटैच करने के बाद में गले के वहां पे इस तरीके की जो ट्यूब होगी वो हम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडिसिव टैप होगी वो हम यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन द सीजर, ठीक है। जो सीजर रहेगी जो कैची रहेगी तो उस कैची से तो टिश्यू को कट करने के लिए भी हम यूज के अंदर उस कैची का यूज के अंदर हम लेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन द किडनी ट्रे, मतलब जो किडनी ट्रे रहेगी तो कोई वेस्ट मटेरियल होगा या फिर ऐसा होता है कि मतलब जो सॉल्यूशन वगैरह होते हैं, जैसे कि हमने इस एरिया को कट लगाने से पहले हम इसको क्लीन करते हैं इस बॉल्स से, ठीक है।
ठीक है, किडनी निकले और बहुत पीस उसके अंदर रहेगा, तो इससे इस एरिया को हम पहले इसके अंदर क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद में वेस्ट मटेरियल होगा वो इस किडनी ट्रे के अंदर आप रखेंगे। ऐसे हॉस्पिटल के अंदर ऐसे नहीं कि उसको क्लीन करिए और वैसे उड़ा दिया, ठीक है, तो वैसा हम उसके अंदर नहीं करेंगे। प्रोफेशनल मेथड के द्वारा इसको वेस्ट मटेरियल को लेने के लिए ये ट्रे होती है वो यूज के अंदर लेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द स्कैल्पल विद द सर्जिकल ब्लेड, ठीक है, द स्कैल्पल जिसको हम बीपी हैंडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो वो उसके अंदर हम उसके अंदर ले देंगे, ठीक है। तो इस टाइप का एक स्कैल्पल, इसको हम बीपी हैंडल या स्कैल्पल के नाम से जाना जाता है और ये रहेगा इसकी जो सर्जिकल ब्लेड, ठीक है, तो ये सर्जिकल ब्लेड रहेगी तो उसको इस ये के अंदर और ये सर्जिकल ब्लेड रहेगी तो इस तरीके से इस ब्लेड को हम उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से इंसर्ट करने के बाद में इस जगह के ऊपर हम कट लगा सकते हैं, ठीक है, और ट्रेकेस्टोमी का प्रोसीजर होगा वो इसके अंदर कट लगाने के बाद में हम इसको यूज के अंदर लेते हैं। ये रहेगा सर्जिकल ब्लेड और ये रहेगा इसको पकड़ने का स्कैल्पल या फिर इसको बीपी हैंडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रहेगा सूचर मेटेरियल, ठीक है, सूचर मेटेरियल का मतलब रहेगा कि टांके लेने के लिए, ठीक है, तो ये टांके लेने के लिए जो ये सुई रहेगी, ठीक है, इस टाइप का ये धागा रहेगा और ये टांके लेने के लिए जो सुई उसके अंदर रहेगी और ये इसको पकड़ने के लिए जो एक आर्टिकल होता है इसको हम बोलते हैं नीडल होल्डर, ठीक है, ये नीडल को पकड़ने के लिए हम यूज के अंदर लेते हैं। अभी इसके अंदर प्रोसीजर होने के बाद में वापस वो ट्यूब लगी हुई रहेगी, ठीक है, और आसपास के अंदर एरिया होगा उसको वापस आप टांके उसके अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो टांके लेने के लिए सूचर मटेरियल, ये तो थ्रेड रहेगा और ये नीडल होल्डर, उसको नीडल को पकड़ने के लिए उसके अंदर यूज में लेते हैं। देन नेक्स्ट वन द स्टेराइल ग्लोव्स, मतलब जो ग्लोव्स होंगे वो उस पर्सन को इन्फेक्शन वगैरह क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हो सके, तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये प्रोसीजर उसके लिए हम ग्लोव्स वगैरह उसके अंदर पहन के काम उसके अंदर करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट मतलब जो ट्रैकिया ट्यूब रहेगी, मतलब इसके अंदर ट्रैकिया डायलेटर, सॉरी इसके अंदर जो एप्रोप्रिएट जो ट्रैकिया जो ट्यूब होगी, ठीक है, तो वो इसके अंदर ट्यूब इसके अंदर हम लेंगे, ठीक है। तो ट्रैकियोस्टोमी करने के लिए जो एप्रोप्रिएट साइज की हमको जो ट्यूब की जरूरत होती है, तो एप्रोप्रिएट जो सेलेक्ट की हुई जो ट्यूब होगी वो उसके अंदर हम यूज के अंदर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्पॉटलाइट, ठीक है, मतलब जो बैटरी होती है, इस टाइप की जो बैटरी होती है, तो उस बैटरी को मतलब उसके अंदर कट वगैरह आसानी से लग सके, या फिर जो ट्रेकिया को कट करेंगे तो उसके अंदर उजाला अच्छी तरह से वो रोशनी करने के लिए हम इस जो स्पॉटलाइट होगी उसको हम यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है लोकल एनेस्थेसिया, ठीक है, लोकल एनेस्थेसिया का मतलब रहेगा कि पर्टिकुलर हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर जो किसी भी पार्ट के अंदर कट लगाना है, जैसे कि आप देखिए तो स्कैल्पल वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, तो स्कैल्पल वगैरह यूज करने के बाद में कभी डायरेक्ट किसी पर्सन को ऐसा बोला कि यदि आपको ऐसा कट लगाया जाए, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है, उसको पेन बहुत होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा कि सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट होगा इसको सून किया जाएगा, ठीक है, मतलब इंजेक्शन के अंदर लोकल एनेस्थेसिया, ठीक है, तो एनेस्थेसिया होगा उसको हम बोल रहे कि एनेस्थेसिया किसके लिए दिया जाता है कि हमको जो पेन का सेंसेशन होता है, मतलब पेन होता है वो उसके अंदर हमको नहीं होगा, तो उसको कम करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको हम एनेस्थेसिया बोलते हैं। और लोकल का मतलब होगा कि पूरी बॉडी के अंदर हमको सून नहीं करना है, ओनली फॉर जिस एरिया का हमको जरूरत है उस एरिया को हमको सून करने का जरूरत रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं लोकल एनेस्थेसिया की जो दवाई होती है वो उसके अंदर हम यूज के अंदर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आयोडीन या फिर जो स्पिरिट का सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब आयोडीन का सॉल्यूशन या फिर जो स्पिरिट होगा वो उसके अंदर हम लेंगे, जिससे कि ये वाला इस पोर्शन को हम प्रोसेस के अंदर कट करने से पहले हम इसको क्लीन कर सके, ठीक है। तो क्लीन करने के लिए जो आयोडीन या फिर जो स्पिरिट का सॉल्यूशन होगा वो उसके अंदर हम यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द आर्टिकल्स रिगार्डिंग द यूजिंग इन द ट्रैकियोस्टोमी केयर। ओके, द नेक्स्ट वन द जनरल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द ट्रैकियोस्टोमी केयर, ठीक है। तो ट्रैकियोस्टोमी जो केयर रहेगी तो उसके अंदर जो नर्सेस रहेगी या फिर जो पर्सन जो ट्रैकियोस्टोमी केयर दे रहा है, ठीक है,
तो उससे रिलेटेड फॉलोइंग जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं वो उसको हमको ध्यान के अंदर रखना जरूरी रहता है। ठीक है, तो बी क्विक इन द इमरजेंसी स्टेट, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन जिसको ट्रैकोमी के यदि इमरजेंसी के अंदर सडनली उसको करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमको पूरा तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, मतलब हमको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके जल्दी से क्विक रेस्पॉन्स होता है वो उसके तरफ को करने का जरूरत रहेगा, हमको एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट फॉलो द स्ट्रिक्ट असर्टिव टेक्निक, ठीक है, मतलब जो फॉलो द स्ट्रिक्ट असर्टिव टेक्निक का मतलब रहेगा कि हमको पूरी तरह तरीके से अच्छी तरीके से हमको असर्टिव मतलब जो साफ सफाई तरीके से हमको जो प्रोसीजर है वो उसके अंदर करना है, मतलब जो असर्टिव का मतलब होगा कि हमको कोई भी इन्फेक्शन जो कंटामिनेशन मतलब जो साफ सफाई का उसके अंदर पूरा ध्यान हमको उसके अंदर रखना है, क्योंकि जो गले का पूरा पोर्शन होता है उसके अंदर हम कट लगा रहे तो बाहर के एनवायरमेंट के अंदर से उसको इन्फेक्शन होने का चांस उसको हो सकता है, हम उसको सही करवाने के लिए गए थे बट उल्टा उसको इन्फेक्शन लगने का चांस हो सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमको पूरी साफ सफाई का स्ट्रिक्टली मतलब पूरी अच्छी तरीके से हमको साफ सफाई का ध्यान देना है। ठीक है, नेवर लेफ्ट द क्लाइंट अलोन, कीप अलार्म नियर बाय, ठीक है, और इसके ट्रैकोस्टोमी ट्यूब लगाने के बाद जो पर्सन होता है वो बोलने के अंदर उसको तकलीफ हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर पर्सन को कुछ तकलीफ होगी तो हम उसको दूर उसको मतलब उसको अकेला नहीं छोड़ना है। ठीक है, या फिर यदि हम उसको अकेला छोड़ते तो वो पर्सन होता है वो बोल नहीं पाता है, तो इसके अंदर हमको क्या करना चाहिए कि उसके पास में एक अलार्म रखना चाहिए। ठीक है, जब भी पर्सन को कुछ जरूरी होगा तो वो उस अलार्म को दबाएगा तो हमको पता लग जाएगा कि पर्सन को कुछ प्रॉब्लम उसके अंदर हो रही है। ठीक है, उसको कुछ डिसकम्फर्टनेस वगैरह हो रहा है तो वो उसके अंदर वो अलार्म होता है वो बजा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव केयर शुड बी मेंटेन प्रॉपरली, ठीक है, और प्रोसेस होने के बाद में हमको ज्यादा उसके अंदर देख रेख करने का मतलब उसके अंदर हमको अवेयरनेस रहने का ज्यादा जरूरत उसके अंदर रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमको सक्शनिंग मतलब जो ट्रेगेस्टोमी ट्यूब डाली जाएगी तो गले के अंदर तो बहुत सारा जो थूक वगैरह जो पानी वगैरह सिक्रेशंस मतलब जो फ्लूड वगैरह उसके अंदर गले के अंदर जाता रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ट्यूब के अंदर भी जो सिक्रेशंस होता है मतलब फ्लूड होता है वो भरा जा सकता है, तो उसको हवा के जाने के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो कर सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे टाइम टू टाइम हमको उस ट्यूब के आसपास या फिर उस ट्यूब के अंदर जो फ्लूड वगैरह उसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है, तो एक जो सक्शन जो मशीन होता है, ठीक है, सक्शन मशीन आपको अभी बताया जाएगा। ओके, जो ये आपके सामने जो मशीन दिख रहा है वो सक्शन अपार्टस कहलाता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल पर्सन को जो कोई भी उस गले के अंदर कोई सिक्रेशन वगैरह या फिर जो फ्लूड वगैरह उसके अंदर वो थूक वगैरह उसके अंदर जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर पर्सन के अंदर जो सिक्रेशन को ऑब्स्ट्रक्शन अगला हवा को अंदर जाने के लिए वो रुकावट पैदा कर सकता है। ठीक है, तो इस मशीन का यूज करके उसके अंदर जो फ्लूड होता है वो सिक्रेशन होता है वो हम सक्शन करके मतलब उसके अंदर जो सक्शन का मतलब होगा उसको जूस के और प्रेशर के द्वारा उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस सक्शन मशीन का यूज लेके हम उस सिक्रेशन को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर सक्शनिंग के द्वारा भी हम उसको मेंटेनेंस हम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन रहेगा द ड्रेसिंग, ठीक है, मतलब जो इस एरिया के अंदर हमने जो ट्रैकोस्टोमी का ट्यूब लगाई हुई है, ठीक है, तो उसके पास आसपास के अंदर हमने जो एडहेसिव टेप वगैरह उसके अंदर लगाई हुई है, ठीक है, मतलब इस एरिया के अंदर जो ट्रैकोस्टोमी जो ट्यूब उसके अंदर हमने फिक्स की गई है, तो इसके अंदर इसको हमको निकालना है। ठीक है, और टाइम टू टाइम हम इसको इस पोर्शन को हमको ड्रेसिंग करना है, मतलब जो पट्टी करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम ड्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस ट्यूब को इस एरिया को हमको बार बार उसके अंदर क्लीन करना है, तो यहाँ से इन्फेक्शन जाने का चांस ज्यादा होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन असेसिंग एनी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, और उस पर्सन को पूछना है या फिर उस एरिया को हमको देखना है यदि उस एरिया के अंदर ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही, ठीक है, कोई रेडनेस वगैरह तो नहीं हुई, ठीक है, यदि कोई इन्फेक्शन होगा तो वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है, रस्सी का फॉर्मेशन मतलब पस वगैरह उसके अंदर बन सकता है, तो ये कंडीशन हम उसको वहां पे देखने का जरूरत रहेगा। और पर्सन जो पेशेंट होता है उसको भी हम पूछ सकते हैं क्या आपको आराम है, कुछ आपको तकलीफ तो नहीं हो रही है, सांस लेने में आपको आसानी है, ठीक है, फिर उसके अंदर रेस्पिरेशन
का होता है वो भी उसके अंदर हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन का लेवल होगा वो भी, ये सब क्राइटेरिया उसके अंदर हम चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चेक टाइम टू टाइम डिटैचमेंट ऑफ द ट्यूब, ठीक है। और उसके बाद में जो टाइम टू टाइम हमको यदि ट्यूब निकल तो नहीं गई है, ठीक है, ट्यूब यदि उसकी जगह के ऊपर फिक्स तो है, ठीक है, तो ये सब हम उसके अंदर हमको चेकआउट करने का रहे, ठीक है। क्योंकि हवा का प्रेशर यदि बाहर की तरफ ज्यादा होगा तो ट्यूब उसके अंदर निकल के बाहर भी आ सकते, ठीक है। और अपनी सही जगह के ऊपर जहां पर हमने फिक्स किया था वहां से वो हट तो नहीं गए, डिटैचमेंट या फिर जो डिस्प्लेस तो नहीं हो गई, ठीक है। तो ये सब उसके अंदर हमको चेकआउट करने का जरूरत रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट सक्शन प्रेशर, ठीक है, मतलब जो सक्शन करने का जो प्रेशर होगा वो उसके अंदर हमको मेंटेन कर सकता है। तो सक्शन प्रेशर का हमको ध्यान में रखना है 60 to 80 mm ऑफ एचजी जो छोटे बच्चों के अंदर रहेगा, इन्फेंट 1 साल तक कम उम्र के बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के अंदर रहेगा 80 to 100 तक रहेगा, ठीक है। और एडल्ट मतलब जो जवान लोग होते हैं, ठीक है, जो जवान उम्र के जो पर्सन रहेंगे तो उनके लिए जो सक्शन का जो प्रेशर रहेगा वो 100 to 180 जो उससे भी ज्यादा 120 तक उसके अंदर होगा, ठीक है। और सक्शनिंग करने का जो टाइम पीरियड कितना होगा 5 to 10 seconds, 5 से 10 seconds से ज्यादा हमको सक्शनिंग नहीं करना है क्योंकि जो एरिया होगा वो उसके अंदर सूख जा सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर से वो खींचेगा, ठीक है। तो प्रेशर से खींचेगा तो उसके आगे वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, इसकी वजह से हम उसको 5 से 10 seconds से ज्यादा हमको सक्शनिंग है वो उस बच्चों के अंदर या फिर एडल्ट बॉयसिंग के अंदर हमको नहीं करना है, ठीक है। तो ये रहेंगे तो जनरल इंट्रेक्शन, मतलब जो इंडिविजुअल पर्सन को ट्रैकेस्टोमी ट्यूब यदि हम डाल रहे तो ये जो इंस्ट्रक्शन होता है वो हमको ध्यान में रखना जरूरी रहता है। ओके, द नेक्स्ट वन रहेगा द प्रोसीजर रिगार्डिंग द ट्रैकेस्टोमी केयर, ठीक है। तो ट्रैकेस्टोमी केयर करने के लिए कौन सा प्रोसीजर, मतलब किस तरीके से ट्रैकेस्टोमी रहेगा वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। तो ये फॉलोइंग प्रोसेस रहेगा जिसके अंदर ट्रैकेस्टोमी केयर होगी वो हम उसको पर्सन को दे सकते हैं। और फर्स्ट वन द हैंड हाइजीन एंड अप्लाइंग द ग्लोव्स, सबसे पहले हमको क्रॉस इन्फेक्शन होना हमारे हाथों से उसको इन्फेक्शन नहीं फैले, हाथ वगैरह हमको वॉश कर देने, उसके ऊपर ग्लोव्स है वो उसके अंदर एप्लीकेबल कर लेना, मतलब ग्लोव्स पहन लेने, ठीक है। अरेंज ऑल द नीडेड आर्टिकल्स नियर बाय, ठीक है, मतलब पर्सन के आसपास के अंदर पर्सन के जो बेड होता है उसके नजदीक में हमको सारे जो जरूरतमंद जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमको अरेंज कर देने, ठीक है। देन नेक्स्ट एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट एंड टेक द कंसेंट, ठीक है, मतलब पर्सन को हमको जो एक्सप्लेनेशन करना है प्रोसीजर का, आपको इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम है या फिर जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं वो उनको हमको एक्सप्लेनेशन करना होता है कि इस तरीके का प्रोसेस होगा आपके इस धरती के ऊपर एप्लीकेबल करने जा रहे हैं, ठीक है। यदि आपके सहमति हो, मतलब यदि आप चाहते हो तो ये प्रोसेसर हम एप्लीकेबल करें, यदि हम आपको नहीं चाहते तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, तो ऐसा यदि कॉम्प्लिकेशन वगैरह कुछ हो जाता है, ठीक है, तो आप उसके लिए जिम्मेदार रहोगे, ठीक है। तो वो उसके अंदर हमको लिखवा के ले लेना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको जानबूझ के उसको कुछ लॉस करवाना है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पर बाई चांस यदि बड़ी किसी मिस्टेक की वजह से यदि बाई चांस कोई हो जाता है प्रॉब्लम तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार रहेंगे, तो वो उनको हमको ऐसा कंसेंट उसके अंदर लिखवाना, ठीक है, क्योंकि हमारे जो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये प्रोसीजर है वो किया गया है, ठीक है। तो ये हमको लिखवा के लेना है, ठीक है। जैसा कि आपने हॉस्पिटल के अंदर देखा होगा कुछ रिस्क टाइप के जो ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं तो उससे पहले हमको लिखवा के लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कंसेंट होता है वो उसके अंदर हमको लिखवा के लेना है, ठीक है। देन नेक्स्ट अप्लाई द फेस टॉवल ऑन द चेस्ट एंड प्रोवाइड द रोज पोजिशन, ठीक है। तब इंडिविजुअल जो पर्सन रहेगा तो उसको हमको टॉवल वगैरह रहेगा तो वो उसके अंदर हमको एप्लीकेबल करना रहेगा, ठीक है, मतलब जो पर्सन होता है क्लीन अप्लाई द फेस टॉवल, ठीक है, मतलब जो फेस टॉवल रहेगा वो उसके ऊपर इस तरीके से हमको लगाना, ठीक है, ये उसके ये ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो तो ये वाला एरिया उसके अंदर खराब नहीं हो, ठीक है। फिर इस तरीके से पर्सन को ऐसे सोया हुआ रहेगा तो रोज पोजिशन देने, मतलब जो सुपाइन पोजिशन देंगे और ये हेड वाला पार्ट होगा वो इस तरीके से मुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये आप इससे जो फील कीजिए कि ये आपका ये वाला एरिया होता है वो इसके अंदर आपको खुला हुआ रहता है, ठीक है, तो इस वाले एरिया के अंदर कट उसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट सेट द स्काल्पल और द ब्लेड इन द अप्लाई, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो स्काल्पल वाला जो पार्ट होता है वो
वो हमको अरेंज करके रखना है, ठीक है। मतलब इस तरीका का जो ये कट लगाने के लिए जो स्कैल्प पर होता है उसमें ब्लेड लगा के हमको तैयार उसको रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लीन द स्किन बाय द आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन का अंदर डुबोगे तो इस बॉज क्विस्ट के द्वारा इस एरिया को हमको अच्छी तरीके से जो क्लीन कर देना, ठीक है। क्लीन करने के बाद में उस प्रोसेस के अंदर हमको कट लगाने के लिए ये ब्लेड होगा वो हमको रेडी रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट अप्लाई द लॉन्गिट्यूडनल कट एट द C2 to C3 ऑफ द ट्रैकिया। मतलब जो ट्रैकिया की जो रिंग होती है, ठीक है, तो पहली दूसरी और जो तीसरी जो रिंग होती है ट्रैकिया की वहां पे हम उसको कट उसके अंदर लगाना है। और कट भी हमको कैसा लगाना है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो खड़ा मतलब इस तरीके से खड़ा कट होगा वो उसके अंदर हमको लगाना रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट कट लगाने के बाद में कीप डायलेट द पार्ट बाय द रिट्रैक्टर, ठीक है। मतलब जो इस एरिया को हमको चौड़ा करने के लिए इस तरीके से कट लगाने के बाद में इस एरिया को हमको चौड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो चौड़ा करने के लिए जो चौड़ा करने के लिए जो दो हुक वाला जो रिट्रैक्टर होता है, ठीक है, तो ये रिट्रैक्टर होगा। इस रिट्रैक्टर से जो दो पार्ट होगा इस तरीके से एग्जाम्पल, तो इस पार्ट को हम खींच के हुए रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट होगा वो ऐसे हम डायलेट करके रख सकते हैं, ठीक है। Then next apply the suction before insert the tube, ठीक है। और यदि कट वगैरह लगाएंगे तो इसके अंदर ब्लीडिंग वगैरह रहेगी या फिर पहले से कोई म्यूकस वगैरह इसके अंदर रहता है, ठीक है। तो उस म्यूकस को बाहर निकालने के लिए जो ट्यूब को लगाने से पहले हम एक बार उसके अंदर सक्शनिंग उसके अंदर करेंगे, ठीक है। सक्शनिंग करने के बाद में उस एरिया को पूरी तरीके से क्लीन कर देंगे और क्लीन करने के बाद में जो ट्यूब होगी वो उसके अंदर हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। देन आफ्टर वो एयर जो एयर में रहेगा उसको ओपन करने के बाद में अटैच द ट्यूब प्रॉपर एंड फिक्स इट, मतलब उसको फिक्स करना है। जो एडिसिव टैप होगी उस टैप को लगाने के बाद उसको ट्यूब को हमको फिक्स कर देना, ठीक है। इस तरीके से बॉल्स पीस वगैरह लगा के फिक्स कर देना है और उसके आसपास वाला जो एरिया होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने ट्यूब लगाया तो ट्यूब का ये वाला एरिया होता है एक साइड वाला, यहाँ पे बीच के अंदर ट्यूब रहेगी और यहाँ का जो एरिया होता है वो उसको हमको कट कर देना है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है जैसे कि यहाँ पे बीच वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पे ट्यूब निकली हुई है, ठीक है। तो ट्यूब के ये वाला जो साइड वाला पार्ट और ये साइड वाला पार्ट होगा इस जो सूचर वाले धागे से हम इसको टांके ले लेंगे, ठीक है। साइड वाला एरिया भी टांका ले लेंगे और इसको भी हम टांका लेके हम इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। फिक्स करने के बाद में इसको वॉच पीस के द्वारा हम उसको टाइट कर देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट रीअरेंज द आर्टिकल्स, ठीक है। उस प्रोसीजर होने के बाद में सारे आर्टिकल्स वापस साफ सफाई के लिए हम उसको रखेंगे। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर, उस प्रोसीजर को हम लिख देंगे कि इस पर्सन ने इस टाइम के अंदर उस पर्सन को ट्रैकिया स्वामी प्रोसीजर वो हमने प्रोवाइड करवाया, ऐसा हमको लिख देना है, ठीक है। एंड आस्क फॉर एनी डिस्कम्फर्ट, उस पर्सन को हमको कुछ परेशानी तो नहीं हो रही है तो उससे रिलेटेड हमको डिस्कशन करना है कि आपको कुछ आराम है, आपको कुछ परेशानी तो नहीं हो रही है, तो ये सब उनको डिस्कशन करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह होता है तो वो भी हम उसको टाइम टू टाइम हमको पर आवर मतलब प्रत्येक घंटे के बाद में एक आवर एक कलाक के बाद में हमको चेकआउट करते उसको रहना है, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द ट्रैकियोस्टोमी प्रोसीजर, ट्रैकियोस्टोमी का प्रोसीजर इस टाइप से रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अनदर टॉपिक से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, ठीक है। एंड प्लीज आई रिक्वेस्टेड यू, ठीक है, मेरा एफर्ट आप लोगों के लिए है तो आप लोगों को भी मेरे साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा। प्लीज आपको थोड़ा मुश्किल होता होगा पूरा वीडियो को देखने के लिए, बट एटलीस्ट आप एक वीडियो को देखिए, आप बाद में भी इसको देख सकते हो, ठीक है। आपके आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, आपके मनी का लॉस नहीं हो, इसलिए मेरा एफर्ट होता है, ठीक है। एक घंटे की क्लास के लिए मैं अप्रोक्स 1.5 घंटा या फिर 2 घंटे होते हैं वो मेरे वेस्ट होते हैं, ठीक है। बट आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए रहेगा, आपको कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट होगा, तो आपको इस वीडियो को देखना, सारे वीडियो को एक बार आप विजिट जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।